सो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम बात करेंगे वॉशेबल कॉन्डोम, मतलब कि कॉन्डोम ऐसा जिसको आप धो भी सकते हो। ऐसे कई व्यूअर्स के कमेंट आए थे कि भाई ये कॉन्डोम यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो कई लोग नहीं जानते। तो वीडियो को आप पूरा देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं अक्सर ऑनलाइन या मार्केट में कुछ कॉन्डोम्स ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि भाई इनको आप धो सकते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टल ड्रैगन, इस टाइप से नाम से आता है। काफ़ी बड़े बड़े डॉट्स होते हैं इनके ऊपर कि भाई इस कॉन्डोम को आप यूज़ करके धो के फिर से यूज़ कर सकते हो। पहली बात तो ये है कि भाई ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्या है? 5-10 रुपए की चीज़ है, उसको आप यूज़ एंड थ्रो करो ना, उसको फेंको यूज़ करके। बट फिर भी आ रहे हैं, आपके मन में आता होगा अगर लें कि ना लें। तो ये सब क्या है मैं आपको बताऊं, टेक्नोलॉजी मतलब कि बोला चाहिए कि टेक्निक्स हैं, मार्केटिंग कंपनीज की स्ट्रेटजी है पैसा बनाने के लिए, सब चौंचले हैं। अभी बात आती है यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो भाई नहीं करना चाहिए, वॉशेबल कॉन्डोम अगर आपको मिलता है तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको आप धोओगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन रहेगा, बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन आ जाएगा। हाथ से पकड़ोगे, धोओगे बार बार, और आप कहाँ यूज़ कर रहे हो? अपने जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर यूज़ करना है, तो वहाँ पर क्या स्टराइलाइजेशन नहीं हो पाता, 100% एक्यूरेसी नहीं हो पाती है प्रोटेक्शन की, क्योंकि कॉन्डोम का यूज़ जो है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन कई बार एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं उनसे बचने के लिए भी किया जाता है। तो इसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि भाई उसमें अगर इन्फेक्शन ना हो, आप धोगे चीज़ को तो कोई मतलब नहीं है, बीमारियां लग जाएंगी। ठीक है, वहीं बात की जाए, यूज़ नहीं करना है कॉन्डोम, यूज़ नहीं करना है वॉशेबल, ठीक है, वो किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का, और नहीं करना है। ठीक, यहाँ पे बात आती है कि एक हमारे व्यूअर है, उनका क्वेश्चन था कि एक बार सेक्स करने मतलब फर्स्ट टाइम सेक्स करें कॉन्डोम के द्वारा, और जब वीर निकल जाता तो वो कॉन्डोम में है, दूसरी बार बिना कॉन्डोम के कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी बार में भी वीर तो निकलेगा ही, लेकिन वो कम निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा निकलेगा ज़रूर, क्योंकि बच्चा पैदा करने के लिए सिर्फ एक स्पर्म काफ़ी है, सिर्फ एक स्पर्म। अब वो थोड़ा सा लिक्विड भी जाएगा तो काम हो जाएगा, कंसीव हो जाएगी महिला। तो ऐसी गलत फहमियाँ ना रखो मन में, वॉशेबल कॉन्डोम यूज़ नहीं करना, और कॉन्डोम यूज़ करने के बाद बिना कॉन्डोम के फिर सेक्स नहीं करना है, बोले संबंध नहीं बनाना। तो ये छोटा सा वीडियो था, काफ़ी लोगों के मन में ये क्यूरीज रहती हैं, तो आई होप आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, नए हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियो और देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।